इंडिया पेस्टिसाइड्सना चेरमेन आनंद अग्रवाल अने नॉन एक्जिक्यूटिव डायरेक्टर राहुल अरुण बगारिया जोड़ाई चुक्या छे अपनी साथे आगळ आईपीओ ने लईने बधा प्रोस्पेक्ट्स डिस्कस करवा माटे। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए सर। सबसे पहले आनंद जी आपसे शुरुआत करना चाह रही थी, एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री क्योंकि FY21 के दौरान सबसे बेहतरीन परफॉर्मर रहा था डिस्पाइट कोरोना क्रैक्स, क्या आउटलुक आप देख रहे हैं इंडस्ट्री साइज के पैरामीटर्स से, जिस तरीके से डिमांड बढ़ती हुई दिख रही है, एक उसी से शुरुआत कर ले अगर हाईलाइट्स मुझे दे पाए। देखिए, एग्रो केमिकल इंडस्ट्री बहुत ज्यादा ग्रोथ हो रही है और आगे 84 या 85 86 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री होने जा रही है। और इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि जो चाइना प्लस वन पॉलिसी हमारी कस्टमर्स की आ गई है, तो इसलिए हमारी कंपनी को और केमिकल इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ मिल गई है। और हर कस्टमर इस समय बाहर का फॉरेन कस्टमर हमारी तरफ देख रहा है कि हमको ये बना के दो, ये बना के दो, ये बना दो। तो मुझको लगता है कि इंडस्ट्री की आकर फ्यूचर बहुत ही अच्छा है। अग्रीड सर। अच्छा राहुल सर, आपसे मैं एक चीज़ जो समझना चाह रही थी, ये फंड्स जो आप रेज कर रहे हैं इसमें सबसे पहले यूजेज किस तरीके से फ्रेम आउट होगा, और चूंकि मैं आपके प्रॉस्पेक्ट्स पढ़ रही थी टेक्निकल R&D के अंदर आप सबसे ज़्यादा काम कर रहे हैं, नीच सेगमेंट है, ज़्यादातर कंपनीज मैंने ऐसी देखी नहीं है, तो एक आइडिया अगर आप मुझे दे पाए। जी सो हमारा फोकस एज IPL इज पूरे तरीके से R&D पे रहता है। हम निश मॉलिक्यूल सिलेक्ट करते हैं जो दुनिया में कोई नहीं बनाता है। इनफैक्ट हम 5 जो मॉलिक्यूल बनाते हैं वो इंडिया में सिर्फ हम ही बनाते हैं और कोई नहीं बनाता है, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, इनको स्पेशलाइजेशन लगता है जो हमारी कंपनी की स्पेशलिटी और USP है। हम करीबन 25 देशों में हमारे मॉलिक्यूल्स भेजते हैं और 60 से अधिक मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ डील करते हैं। एज लॉन्ग एज IPO से फंड जो रेस करने की बात है, हम करीबन 100 करोड़ रुपया रेस कर रहे हैं कंपनी में, जो इसकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए यूज होगा आगे की ग्रोथ को फंड करने के लिए। और जो केपेक्स प्लान्स है हमारे, वो सारे हमारे इंटरनल अक्रूवल से फंड हो जाएंगे, बिकॉज कंपनी काफी अच्छा कैश रिजर्व कमा रही है एवरी ईयर। और कैपेसिटीज वो किस तरीके से एड ऑन होंगी, आई बिलीव ऑलरेडी 2 जगह पे आपकी कैपेसिटीज है मौजूद, आगे और एक्सपेंशन का क्या प्लान है? जी अभी तक हमारी इंस्टॉल कैपेसिटी करीबन 25,000 मेट्रिक टन है, जिसमें 20,000 मेट्रिक टन करीबन टेक्निकल्स के लिए है और 5,000 से 6,000 करीबन फॉर्मुलेशंस के लिए है। हमारा मेजर फोकस टेक्निकल्स पे रहता है, तो आगे जाके भी हमारी जो कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है, जो हम 8 नए मॉलिक्यूल लॉन्च करने वाले हैं इस साल, वो सारे टेक्निकल्स में ही ऐड होने वाले हैं। हमारे पास हमारे एक प्लांट में अभी 10,000 मेट्रिक टन की पोटेंशियल बाकी है, जो हम इस साल तक चाहते हैं कि हम पूरी तरीके से यूटिलाइज कर ले। अग्रीड सर। अच्छा आनंद जी, आपकी तरफ से एक ग्लोबल डिमांड के ऊपर मैं स्टेटमेंट चाह रही थी, क्योंकि आपने बताया आप काफी ज्यादा देशों को सप्लाई भी करते हैं, किस तरीके से प्राइसिंग वो वर्कआउट हो रहा है, ग्लोबल डिमांड किस तरीके से डोमेस्टिक के कंपैरिजन में बढ़ती हुई आप देख रहे हैं, एक आइडिया अगर आप मुझे दे पाए। देखिए, एक तो जो पेंडेमिक आया, तो एसेंशियल कमोडिटीज होने के कारण हमारी लोगों की इंडस्ट्री में कोई फर्क नहीं आया, हमको बस थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग और थोड़ा सा देख रेख करना पड़ी, और वर्किंग हमारी बिल्कुल बहुत बहुत ही बढ़िया चली, बल्कि और सालों से बढ़िया चली। और पेंडेमिक के अंदर एग्रीकल्चर में तो कोई फर्क आया नहीं, सारी दुनिया के अंदर एग्रीकल्चर में डिमांड बढ़ती जा रही है, तो वो हमारे लोगों को उसका कोई विशेष फर्क आया। अग्रीड सर। अच्छा राहुल जी, सेगमेंटल बाइफर्केशन अगर आप मेरे साथ शेयर कर पाएं, कितना रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन कौन से सेगमेंट से आ रहा है, 2 मेन है आपके, एक आइडिया अगर आप दे पाएं। जी करीबन 80% ऑफ हमारा टर्नओवर जो आता है वो टेक्निकल मैन्युफैक्चरिंग से आता है, जिसमें भी 3 भाग होते हैं, फंगीसाइड, हर्बिसाइड और APIs भी आते हैं। हमारा टोटल 10% टर्नओवर जो आता है वो API से आता है, और 20% जो टर्नओवर आता है वो फॉर्मुलेशन से आता है, और बाकी का 70% जो है वो 50-50 आता है फंगीसाइड्स और हर्बिसाइड मैन्युफैक्चरिंग। अग्रीड सर। अच्छा राहुल जी, इन टर्म्स ऑफ जो ऑपरेशनल नंबर्स है वो किस तरीके से वर्कआउट होते हुए आप देख रहे हैं, क्योंकि मेरे पास जो डेटा है FY20 का लिमिटेड डेटा है,
परफॉर्मेंस यहां से ऑनवर्ड्स किस तरीके से इंप्रूव होगा, एक डिटेल मुझे दे पाए आप? हमने इस साल, मैं आपको बताऊं तो हमने इस साल करीबन 135 करोड़ रुपए का टर्नओवर किया है, प्रॉफिट किया है 650 करोड़ रुपए के टर्नओवर के ऊपर, जो करीबन 21% पैट आता है और इबिट्टा करीबन 30% आता है। और हमारी ग्रोथ पिछले 3 सालों में करीबन 40% ईयर ऑन ईयर रही है। सो हमें विश्वास है कि हम यही डिलीवर करते रहेंगे हमारे कस्टमर्स को और हमारे शेयर होल्डर्स को। अच्छा, मैं दो प्रोडक्ट्स के आपके डिटेल समझना चाह रही थी, क्योंकि आप ऑलरेडी टॉप 5 जो इंडस्ट्री में है उसमें से शामिल तो है, लेकिन आनंद जी, फॉलपेट और साथ ही साइमोक्सिनल का मार्केट शेयर कितना है आपका, डिटेल अगर आप मुझे कुछ दे पाए? देखिए, ये सब प्रोडक्ट्स जो हैं वो इनका फ्यूचर बहुत बढ़िया है, क्योंकि यूरोप के अंदर कुछ प्रोडक्ट्स हटाए जा रहे हैं, कम हो रहे हैं, पर इन प्रोडक्ट्स की आगे की बहुत अच्छा फ्यूचर लग रहा है इनका, और दिन पे दिन कस्टमर इसके बढ़ते जा रहे हैं। और राहुल जी, आपकी तरफ से मार्केट शेयर, क्योंकि न्यूमेरिक डिटेल्स तो मेरे पास है नहीं, अगर आप कुछ शेयर कर पाए। कोई रेडीमेड डेटाबेस इज नॉट अवेलेबल इसका मार्केट शेयर का, बट वी अप्रोक्सीमेटली एंजॉय 30-40% ऑफ द मार्केट।